मूवी के शुरुआत में एक जगह को दिखाया गया है जहाँ पर कुछ डॉग्स बेच रहे बंद है। उस जगह से एक पप्पी किसी तरह से भाग निकला। अब बाहर आते ही इस अनजान दुनिया में उसका सफर शुरू हो गया। ना खाने का टेंशन, ना रहने का टेंशन, और ऊपर से इंसान का इतना अच्छा प्यार, वो भी कम नटखट नहीं थी। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी मस्त चल रहा था। दूसरी तरफ धर्मा को देखते हैं, वो अकेला रहता है और किसी से भी बात नहीं करता। उसके लाइफ का टाइम टेबल फिक्स था। सुबह अलार्म बजने से पहले उठना, फैक्ट्री जाना, एक दुकान था जहाँ से इटली के साथ एक पैकेट सिगरेट लेना, और रात को घर आकर बीआरपी के सो जाना। बस यही था उसका रोज का रूटीन। फैक्ट्री से लेकर उसके कॉलोनी तक कोई उसे पसंद नहीं करता था। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई धर्मा से हेल्प मांगे तो धर्मा उसे खाली हाथ नहीं भेजता, वो उसे बेइज्जत करके ही भेजता। धर्मा छोटी उम्र में ही अपनी मम्मी पापा और बहन को खो दिया था एक एक्सीडेंट में। वो तब से ऐसा ही है। एक दिन उस कॉलोनी के बाहर एक फंक्शन चल रहा था। इतना शोर था कि धर्मा को नींद नहीं आ रहा था। उसने सीधा फंक्शन पर पहुंचा और पूरा इलाका तहस नहस कर दिया। वहां पर एक डस्टबिन पड़ा था जिसके पास वो पप्पी बैठा था। जब धर्मा बाहर आ रहा था ठीक तभी उसने धर्मा को देखा। फैक्ट्री से लेकर कॉलोनी तक जिस धर्मा को सब लोगों ने पत्थर दिल इंसान मानता था, ना जाने उस पप्पी ने धर्मा के अंदर क्या देखा, उस दिन से उसका पीछा करना शुरू किया। धर्मा उसे हमेशा भगा देता था, लेकिन उसने धर्मा का कभी पीछा नहीं छोड़ी। एक दिन वो पप्पी जब धर्मा का पीछा कर रही थी, तब उस कॉलोनी का एक लड़का बाइक लेकर स्टंट मार रहा था। अनजाने में वो पप्पी बाइक के सामने आते ही एक्सीडेंट हो गया। सब लोग उस लड़के को लेकर बिजी था और वो पप्पी एक लावारिस की तरह पड़ी थी। अरे यही तो इंसानियत है। लेकिन अद्रिका नाम की एक छोटी बच्ची वहाँ पर खड़ी थी। वो अपने पेरेंट्स को बार बार कह रही थी उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर वो पप्पी वहाँ पर मर जाए। दूसरी तरफ जिसे कॉलोनी वाले पत्थर दिल इंसान कहता था, वही धर्मा उस पप्पी को लेकर हॉस्पिटल गया। अब डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और दवाई भी लिख के लिया। लेकिन धर्मा डॉक्टर को कहा, ये कुत्ता मेरा नहीं है, आप इसे रख लो। लेकिन डॉक्टर ने किसी तरह धर्मा को समझाया, जब तक कोई डॉग अडॉप्ट नहीं करने आता तब तक इसे अपने पास ही रख लो। धर्मा जब पप्पी को लेकर घर लौटा, अद्रिका उस पप्पी को लेकर बहुत खुश हुई। लेकिन उस पप्पी को संभालना धर्मा के लिए इतना आसान नहीं था। वो इतना नटखट थी उसकी वजह से धर्मा परेशान हो गया। उसकी परेशानी से बचने के लिए धर्मा उसे पार्क में छोड़ाया, लेकिन अद्रिका उसे वापस घर लेकर आई। धर्मा किसी भी हाल में उसे पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने डॉक्टर को फोन किया। अब डॉक्टर ने कहा, डॉग एडॉप्शन के लिए डॉग का लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है, तो धर्मा लाइसेंस कराने चला गया, जहां पर उसका मुलाकात हुआ देविका से। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर था। लाइसेंस के लिए उसने डॉग का नाम पूछा, लेकिन धर्मा को तो डॉग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए उसने डॉग का नाम चूचू कह दिया। फिर देविका ने पूछा, डॉग क्या खाती है, तो धर्मा ने बहुत आसानी से कह दिया, मैं इटली के साथ चटनी भी देता हूँ। अब देविका को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन उसने मजबूरन लाइसेंस दे दिया। लेकिन देविका धर्मा का पीछा नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। एक दिन धर्मा उस डॉग के ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि उसे मारने वाला था। ठीक तभी धर्मा को चक्कर आया और वो जमीन पर गिर गया। जिस डॉग को मारने वाला था वही डॉग उसके पास भाग के आया जब वो नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। सिर्फ यही नहीं, जिस एम्बुलेंस में धर्मा था उसका पीछा किया और हॉस्पिटल भी पहुंच गया। धर्मा उस डॉग की आंखों में उसके लिए प्यार देखा। धर्मा धीरे धीरे बदल गया, वो अब पूरी तरह से उस डॉग का ख्याल रखता था। धर्मा की उस सूखी पड़ी जिंदगी में उस डॉग ने प्यार का बारिश ला दिया। लेकिन एक दिन अचानक उस डॉक्टर ने एक फैमिली को साथ ले आया उस डॉग को अडॉप्ट करने के लिए। वो धर्मा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने जबरदस्ती उसे ले गया। अब ज्यादा दिन तक धर्मा उसके बिना रह नहीं पाया। उसने डॉक्टर को फोन किया और उन लोगों का एड्रेस लिया जिन्होंने उस डॉग को अडॉप्ट किया था। धर्मा जब उनके घर पर गया तो उसने देखा कि उस डॉग ने पूरा घर को कबरखाना बना दिया था। उस घर का हालत देख के धर्मा बहुत हंसा। ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ। उसने उस डॉग को लेकर सीधा घर वापस आया। अब उसका नाम भी तो रखना था। धर्मा के घर में चार्ली चैपलिन का एक स्टैचू था, जिसे देख के उसने उस डॉग का नाम रखा चार्ली। चार्ली ने धर्मा को पूरी तरह से बदल दिया। अद्रिका भी हमेशा चार्ली और धर्मा के साथ रहती थी। चार्ली धर्मा की मुस्कुराहट की वजह बनी, वो धर्मा की जिंदगी थी। लेकिन धर्मा के इस खुशी से भरी जिंदगी में काला बादल छा गया। एक दिन धर्मा जब फैक्ट्री से लौटा, उसने देखा कि चार्ली सोई हुई थी। बार बार बुलाने पर भी वो नहीं उठी, तो धर्मा ने देखा चार्ली ने उल्टी किया है। उसने तुरंत चार्ली को डॉक्टर के पास ले गया। अब धर्मा को ऐसा लग रहा था कि चार्ली बॉल निकलने की वजह से बीमार है, लेकिन डॉक्टर ने तो कुछ और ही कहा। चार्ली को कैंसर हुआ है, और वो भी फाइनल स्टेज। डॉक्टर ने धर्मा को कहा, कुछ लोग इलीगल तरीकों से डॉग ब्रीडिंग करवाता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। चार्ली जब छोटी थी शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। धर्मा पूरी तरह से टूट चुका था। आखिर क्यों उसके साथ ही ऐसा कुछ होता है? पहले तो उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, और अब चार्ली, जिसने उसे फिर से जीना सिखाया, वो भी छोड़कर चली जाएगी। अब धर्मा बस एक ही चीज चाहता था, चार्ली के हर सपने को पूरा करना। धर्मा ने देखा चार्ली को स्नो बहुत पसंद है। चार्ली टीवी पे जब भी बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों को दिखता था, वो खुशी से झूम उठती थी। धर्मा ने तय कर लिया, चार्ली का सपना पूरा करने के लिए जहाँ भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार है। धर्मा चार्ली को हिमाचल ले जाना चाहता था। सफर बहुत लंबा था। चार्ली और धर्मा निकलने ही वाला था, सामने से अद्रिका आके धर्मा को पकड़ के बहुत रोने लगी। फिर धर्मा ने अद्रिका को कहा वो दोनों जल्दी वापस आ जाएगा। सफर के हर मोड़ पर धर्मा को एक ही चिंता खाया जा रहा था, जिस चार्ली ने उसे नई जिंदगी दी, पता नहीं वो कब तक धर्मा के साथ रह पाएगी। सफर के बीच में डॉक्टर ने एक दिन धर्मा को फोन किया। उस डॉक्टर से धर्मा को पता चला कि चार्ली का असली नाम है कीटन। चार्ली जब छोटी थी उसके साथ हुआ हादसे के बारे में सब कुछ धर्मा को पता चला। एक हरामी था जो इलीगल तरीकों से डॉग ब्रीडिंग करवाता है। आज उसकी ही वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। धर्मा को एड्रेस मिलने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया। उस हरामी को देखकर चार्ली जोर जोर से भौंकने लगी। धर्मा पहले उस हरामी का थोपड़ा बिगाड़ा, फिर उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद धर्मा एनिमल रेस्क्यू टीम को खबर कर दिया। अब एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ देविका वहां पर पहुंच गई, लेकिन धर्मा और चार्ली तब तक वहां से निकल चुका था। देविका पहले दिन ही चार्ली के बेल्ट पर एक ट्रैकर लगाई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। इसलिए देविका एनिमल रेस्क्यू टीम को वहां पर छोड़कर उस ट्रैकर की मदद से चार्ली को फॉलो करना शुरू किया। दूसरी तरफ धर्मा और चार्ली का सफर जारी था। धर्मा कुछ खरीदने के लिए चार्ली को मॉल के बाहर रखकर वो मॉल के अंदर गया, लेकिन चार्ली इतना नटखट थी कि वहां से भागने लगी। अब धर्मा उसके पीछे भागा। भागते भागते चार्ली की वजह से एक पुलिस जीप का शीशा टूट गया।
पुलिस वाला इतना गुस्से में था कि चार्ली और धर्मा को जेल के अंदर डाल दिया। दूसरी तरफ चार्ली का ट्रैकर फॉलो करते करते देविका पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। अब पुलिस वाला फाइन लेना चाहता था, लेकिन चार्ली की नटखट की वजह से पुलिस को मजबूरन धर्मा और चार्ली को छोड़ना पड़ा। अब देविका भी धर्मा और चार्ली के साथ सफर में जुड़ गई। धीरे धीरे देविका को एहसास हुआ कि धर्मा चार्ली से कितना प्यार करता है। धर्मा चार्ली के लिए अपनी डर को छुपा के पैराग्लाइडिंग करने को भी तैयार हो गया। चार्ली के कैंसर के बारे में देविका को बाद में पता चला, लेकिन देविका को घर भी जाना था। जाने से पहले उसने अपने दोस्त के साथ धर्मा को मिलवाया। वो इंटरनेशनल ट्रैवल मैगजीन के लिए स्टोरी लिखता था। वो धर्मा और चार्ली की इस सफर की एक स्टोरी लिखना चाहता था। धर्मा से चार्ली के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसके आंखों में आंसू आ गया। फिर वो वहां से चला गया और देविका भी उसके साथ चली गई। दोनों जाने के बाद फिर से चार्ली और धर्मा का सफर शुरू हो गया। रास्ते में धर्मा का बाइक खराब हो गया। दोनों रास्ते में बैठ गया मदद के लिए। ठीक तभी बक्सी नाम का एक बंदा उन दोनों को लिफ्ट दिया। उसके पास भी एक कुत्ता था, उसका नाम था ब्लैकी। बक्सी धर्मा और चार्ली को घर लेकर गया। धर्मा अपनी बाइक ठीक होने तक चार्ली के साथ वहीं रुक गया। अब चार्ली को भी एक साथी मिल गया था, लेकिन धर्मा को पता था ज्यादा वक्त नहीं है चार्ली के पास। बाइक ठीक होते ही धर्मा चार्ली को लेके वहां से निकलने की तैयारी की। जाने से पहले बक्सी ने धर्मा को एक डॉग शो टूर्नामेंट का टिकट दिया। चार्ली और ब्लैकी का जुदा होने का वक्त आ गया था। धर्मा चार्ली को लेके उस डॉग शो पर पहुंच गया, लेकिन वो गलती से पार्टिसिपेंट सीट्स पर बैठ गया। उस शो में इत्तेफाक से चार जजेस में से देविका भी एक जज थी। वहां पर मौजूद सभी डॉग्स ट्रेंड था, लेकिन चार्ली ट्रेंड नहीं थी, इसलिए चार्ली परफॉर्म नहीं कर पाई। अब देविका को छोड़ के बाकी जजेस ने धर्मा का बहुत मजाक उड़ाया। धर्मा थोड़ा सा गुस्सा हो गया, लेकिन उसके बाद चार्ली ने सबको दिखा दिया वो किस कदर धर्मा से प्यार करती है। बिना ट्रेंड होके भी चार्ली ने सबका दिल जीत लिया। और आखिर में धर्मा के बुलाने पर चार्ली ऐसा छलांग लगाई कि जजेस के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी ऑडियंस हैरान हो गया। धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था। बिना देरी किए धर्मा चार्ली के साथ अपना सफर जारी रखा। अब धर्मा के पास जितने भी पैसा था सब कुछ खत्म हो गया। चार्ली के दवाई खरीदने के पैसा भी उसके पास नहीं था। उसने फैक्ट्री में फोन किया अपनी सैलरी भेजने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे फोन भी बंद हो गया। अब धर्मा को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दो दिन बीत गया, धर्मा और चार्ली ने कुछ भी नहीं खाया। उसने ढाबा पर जाके अपने फोन के बदले चार्ली और उसके लिए खाना मांगा। ढाबा का मालिक बहुत अच्छा था, इसलिए फोन लौटा दिया और खाना भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो गया। चार्ली के पास ज्यादा वक्त नहीं था। अब धर्मा के पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपना बाइक बेच दिया और चार्ली को कहा, प्लीज आ जाओ, अब ये गाड़ी हमारा नहीं रहा, हमें पैदल ही जाना होगा। कुछ देर जाने के बाद उन दोनों को एक बस मिला, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया क्योंकि चार्ली के मुंह से खून निकल रहा था। खून देखते ही धर्मा ने तुरंत चार्ली को लेकर बस से उतर गया। उसके बाद धर्मा चार्ली को लेकर एक बूढ़ी औरत के पास गया। उसने जड़ी बूटियों से चार्ली का इलाज किया, लेकिन उसने धर्मा को कहा चार्ली के पेट में बच्चा था जो मर गया। धर्मा को और कितना दर्द सहना पड़ेगा उसे पता नहीं। चार्ली जब बेहोश थी, धर्मा खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसने चार्ली को बचाने के लिए मंदिर जाके भगवान से भीख मांगा। चार्ली को होश आते ही उसने धर्मा को जगाया। फिर धर्मा ने चार्ली से पूछा, चार्ली कितना प्यार करते हो मुझसे? बिना कुछ कहे ऐसा लगता है चार्ली ने सब कुछ कह दिया कि वो धर्मा से कितना प्यार करती है। बस कुछ ही पल बाकी था चार्ली के पास। धर्मा कोशिश नहीं छोड़ा। उसे पता था चार्ली स्नो देखेगी तो खुश हो जाएगी। उसने चार्ली को लेकर फिर से निकल पड़ा, लेकिन लैंडस्लाइड होने की वजह से आगे रास्ता बंद था, इसलिए आर्मी ने गाड़ी रोक दिया। धर्मा आर्मी वाला को रिक्वेस्ट किया आगे जाने देने के लिए, क्योंकि आखिरी मौका था चार्ली को स्नो दिखाने का। एक ऑफिसर ने धर्मा और चार्ली को आर्मी कैंप पर लेकर गया, जहां पर धर्मा को पता चला उसकी और चार्ली की स्टोरी एक मैगजीन पर लिखा गया है। लेकिन इन सबसे धर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो बस चार्ली का सपना पूरा करना है। उसने चार्ली को लेकर चोरी छुपे निकल पड़ा पहाड़ों की तरफ। स्नो देखते ही चार्ली उछलने लगी। चारों तरफ बर्फ देख के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब धर्मा भी चार्ली के साथ बर्फ में खेलने लगा। ऐसा लग रहा था कि धर्मा जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुआ आज जितना वो चार्ली को देखकर खुश है। चार्ली की खुशी देख के ऐसा लग रहा था कि धर्मा का सपना पूरा हो गया। रात में धर्मा चार्ली को लेकर कैंप लौटाया और सो गया, क्योंकि सुबह होते ही वो दोनों घर के लिए निकलेगा। लेकिन धर्मा का जब आंख खुला उसने देखा चार्ली वहां पर नहीं थी। उसने पागलों की तरह चारों तरफ चार्ली को ढूंढना शुरू किया। चार्ली को ढूंढने के लिए धर्मा अकेले पहाड़ों पर चला गया। वो पागलों की तरह चार्ली कहकर जोर जोर से पुकारने लगा और आखिर में उसने एक मंदिर देखा जिसके बाहर चार्ली बैठी थी। उसने चार्ली को सीने से लगा के कहा, मैं तेरे लिए क्या नहीं किया, डॉक्टर के पास गया, भगवान से भीख मांगा, फिर भी तू मुझे छोड़ के जा रहा है। साला जिससे भी प्यार किया सब मुझे छोड़ के चला गया। अगर तू भी चली जाएगी तो अकेले में कैसे जीऊंगा? अगर जाना ही है तो क्यों आया मेरे जिंदगी में? वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, लेकिन चार्ली तब तक मर चुकी थी। पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। धर्मा जो कर सकता था सब कुछ किया, लेकिन चार्ली नहीं रही। वो पागलों की तरह रोने लगा। ठीक तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। उसने मंदिर के अंदर जाकर देखा, एक छोटा पप्पी रो रहा था। चार्ली जाने से पहले एक छोटा चार्ली को जन्म दिया था, क्योंकि उसे पता था उसके बिना धर्मा कभी नहीं रह पाएगा। धर्मा घर लौट के चार्ली के नाम पे एक एनिमल हॉस्पिटल खोला। उसने उस छोटा चार्ली को लेकर अपना जिंदगी फिर से शुरू किया। बिना स्वार्थ भरे प्यार किसे कहते हैं, आज चार्ली और धर्मा ने सबको दिखा दिया। वीडियो खत्म होने से पहले आप लोगों से बस एक ही गुजारिश है, इस दुनिया में बहुत सारे बेसहारा चार्ली है जिन्हें एक धर्मा की जरूरत है। हो सके तो नाम से नहीं, दिल से धर्मा बनने की कोशिश करना, क्योंकि इन्हें दर्द बढ़ना नहीं आता, बस प्यार बढ़ना आता है।